तो चलिए सबसे पहले जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बीजेपी के बड़बोले विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। ऐसा कौन सा अब उन्होंने बयान दिया है जिसने सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है, ये रिपोर्ट में आप देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, ममता बनर्जी को बताया शूर्पनखा, मोदी शाह काटेंगे ममता की नाक, ये है बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने में माहिर, मोदी और शाह की चमचागिरी ऐसे करते हैं कि मोदी को भगवान राम का अवतार बता देते हैं तो अमित शाह को लक्ष्मण। विपक्ष के किसी भी नेता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना इनकी आदत में शुमार है। कभी गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का खुलकर बचाव करने आ जाते हैं तो कभी गंगा यमुना तहजीब को ताक पर रखकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। इस बार माननीय विधायक जी ने अपने निशाने पर ममता बनर्जी को लिया है। बलिया में सांसद निधि सड़क निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सुरेंद्र सिंह को एक बार फिर अपने बिगड़े बोल उगलने का मौका दे दिया। भले ही सभा की सारी कुर्सियां खाली रही लेकिन एक दो मीडिया के कैमरे और फ्लैश को देख विधायक जी के अंदर का जहर बाहर आने लगा और इन्होंने मंच से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शूर्पनखा की उपाधि दे दी और मोदी शाह की जोड़ी को राम लक्ष्मण का अवतार बता दिया। माननीय विधायक जी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जिस तरह लक्ष्मण ने शूर्पनखा की नाक काटी थी उस शूर्पनखा का भी अंत करने वाला लक्ष्मण पैदा हो चुका है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उस शूर्पनखा का भी नाक काटेगी और भारत ने जो है विजय का झंडा लहराएगी। देखिए मैं तो पात्र नहीं कहता हूँ लेकिन जो शूर्पनखा का रोल था वही रोल अदा कर रही है। शूर्पनखा का रोल अदा कर रही है ममता बनर्जी जी। अच्छा। और जो है वो लगता है कि जो है भगवान राम के रूप में मोदी जी पैदा हो चुके हैं, वहाँ बंगाल की धरती पर भी भगवान लहरेगा। उसी तरह मोदी शाह की जोड़ी ममता बनर्जी की नाक काटेगी। विधायक जी खुद को बहुत बड़ा चिंतक और हिंदुओं का बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं, इनकी नज़र में तो सारा विपक्ष पाकिस्तानी है। विधायक जी को लगता है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इनकी नज़र में पाकिस्तान प्रस्त ममता बनर्जी बंगाल को जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है और हिंदुओं को वहां से भगाकर राज सुख भोगना चाहती हैं। ममता के बाद राहुल गांधी भी इनके निशाने पर आए, भला राहुल को बुरा भला कहे बिना इन्हें चैन कैसे मिलता, इसलिए इन्होंने राहुल को रावण का अवतार बता दिया। रावण कहना क्या है, हम रावण की संज्ञा तो नहीं कहेंगे लेकिन रोल एकदम संस्कार और रोल तो आप जानते ही हैं। बड़ा बड़ा महारथी अपने को कहने वाले कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेसी लोग ही समय रावण की भूमिका में। रामायण का पूरा पात्र माननीय विधायक जी के इर्द गिर्द घूमता है। मोदी शाह इस रामायण के राम लक्ष्मण हैं, जबकि राहुल और ममता रावण और शूर्पनखा हैं और बाकी विपक्ष रावण की सेना। बड़बोले नेता सुरेंद्र सिंह ने तो हद कर दी, अब जरा बीजेपी के नेताओं को भी सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि सुरेंद्र सिंह के इस बयान से किसकी नाक कटी है, बीजेपी की या ममता बनर्जी की। बलिया से मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कई सारे सवाल खड़े होते हैं, सुरेंद्र सिंह आखिरकार इस तरीके के बयान देने के आदि क्यों हैं? आए दिन इस तरीके के बयान वो देते रहते हैं, कभी गैंगरेप के आरोपी बलात्कारी विधायक का बचाव करते हैं और बचाव में जो दलील पेश करते हैं शायद बताना भी ठीक नहीं है, उसके बाद आए दिन इसी तरीके के बयान दिया करते हैं। हिंदू मुस्लिम का चुनाव कराते हैं 2019 में, कहते हैं हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान का चुनाव होने वाला है, जरा ध्यान रखिएगा, और आज एक और इस तरीके का बयान, ये आदि हो गए हैं। सवाल यही है कि ऐसे बयान बड़बोले नेताओं के बीजेपी में कब थमेंगे, ऐसे बयानों को क्या आला नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है? आला नेता क्योंकि कोई ना कार्रवाई करते हैं, ना पूछा जाता है, ना बुलाया जाता है, चाल चरित्र तो चेहरे सीमाएं की बातें की जाती हैं लेकिन उसका असर दिखता नहीं है, खासतौर से सुरेंद्र सिंह पर पार्टी के सिद्धांत और नीतियां फिट नहीं बैठती। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदीप सिंह बाबू जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, स्वागत प्रदीप सिंह बाबू जी आपका। प्रदीप सिंह जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत सर आपका। और अनिल के अंकुर साहब है वरिष्ठ पत्रकार है। नवीन श्रीवास्तव जी अभी हमारे साथ नहीं मौजूद हैं, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस रावण है, क्या कहेंगे? देखिए सुरेंद्र जी का बयान ये पहला बयान है, तरह समय समय पर इस तरह की जहर गुलती जुबान लोगों के बीच में लगातार सुरेंद्र जी और सुरेंद्र जी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं की
जवान भी मंचों अपने अपने मंचों से जहर उगलती रही है और विपक्षी नेताओं को इन्होंने आज रावण कहा है, पहले पहले कुत्ता बिल्ली से उनकी तुलना की थी, चूहे से तुलना की, जानवरों से तुलना की, आज रावण से तुलना की, क्योंकि विपक्ष को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में इन्हें विपक्ष हमेशा सोने नजर आता, क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की विचारधारा पर चलते, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एकात्म मानववाद कहता है कि निश्चित तौर पर देश में अधिनायकवाद होना चाहिए, या इतना ही नहीं, ये लोग तो पूरे हिंदुस्तान में जो प्रदेशों में बटा हुआ हिंदुस्तान है, उन प्रदेशों की भी राजसत्ता को समाप्त कर देना चाहते हैं। एक और बात कही है, राहुल गांधी को बोटी और बोतल वाला करार दिया है, इससे कितना सहमत है? बोटी और बोतल वाला करार दिया है राहुल गांधी को, इससे कितना सहमत है? इस पर क्या कहेंगे? ये किसी भी तरह, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता किसी भी तरह की उपमा से विपक्ष को संबोधित कर सकते हैं, कितनी भी गिरी हुई भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, या भाई कुत्ते बिल्ली से लेकर तमाम ऐसी उपमाओं से इन्होंने संबोधित किया है, और रावण कहा और तमाम बातें कही है, ये विपक्ष को स्वीकार ही नहीं करते। विपक्ष से आने वाली आवाज जो सरकार के सामने सवाल खड़ा करती है, ये इन्हें पसंद नहीं है, केवल अधिनायकवादी सोच के लोग हैं और इस वजह चाहते हैं कि इस देश से प्रजातंत्र की समाप्ति हो, और केवल केवल अधिनायकवादी युग आया जिसका नेता माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूं। ठीक है, प्रदीप सिंह बब्बू जी, आप क्या कहेंगे इस तरीके की बयानबाजी पर? क्योंकि सवाल यही है कि कौन दूध का धुला है, हर पार्टी में इस तरीके के बड़बोले बयानवीर हैं जो अपनी अपनी पार्टी के नीतियों के सिद्धांतों के हिसाब से, अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से इस तरीके के बयान दिया करते हैं, कोई की दूध का धुला नहीं है, सपा में भी भरमार है, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी। मैं अपने कांग्रेस के साथी ने जो कहा उसी से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुरु गोरखकर जी ने कहा था, उनकी एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति लोकतंत्र व्यक्ति को अनावश्यक आजादी देता है, तो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं जिसमें विपक्ष ही न हो। कांग्रेस मुक्त मतलब विपक्ष मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, तो लोकतंत्र के विरोधियों से इस तरह के बयान अगर आते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत अचंभा, बहुत कोई अनोखा चीज है। सुरेंद्र सिंह ने जो बयान आज दिया है, कुछ दिन पहले भी एक बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया था यह भी बयान कि तीन तीन महिलाओं के साथ कोई बलात्कार नहीं कर सकता, तीन महिलाएं, ये भी इनका बयान था, और तीन बच्चों की महिलाओं के साथ, तीन बच्चों की मां के साथ कौन बलात्कार करेगा, ये कहा था। मैं हाँ, वही उसका परिलक्षित वही होता है, उसका अर्थ वही होता है पूर्व जी। सवाल यह है कि उस बयान को कहीं कहीं के ऊपर से क्या कहा क्या नहीं गया, लेकिन उसको कहीं के बैलेंस करने के लिए इन्होंने कांग्रेस को राहुल बता दिया, कुछ दिन पहले राहुल बताया था, नंदी जी ने, इनके पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने बताया था राहुल, किसी को समाजवादी नेता हमारे देश के बड़े नेता उनको राहुल बता दिया था, इन्होंने बताया सुपर्णखा ममता बनर्जी जी को, और इनके नंदी भाई ने बताया था मायावती जी को। तो कोई कुछ भी कह सकता है, और ऐसे मंच से उन्होंने कहा था जिस मंच में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे लोग बैठे थे और कोई सब मुस्कुरा रहे थे, एक तरह से उस बयान का कहीं के समर्थन था। तो जब ऐसे बयानों का समर्थन होगा तो सुरेंद्र सिंह की भाषा कहां रुकेगी, वो भी कुछ ऐसा बोलेंगे कम से कम आला कमान खुश हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया अनिल के, अंकुर साहब, याद होगा जब नंद गोपाल गुप्ता मंच से ऐसे बयान दे रहे थे, उनके बयानों पर ठहाके लगे थे, और उसके बाद हमने सवाल जरूर उठाए थे, डिबेट भी रखी थी, प्रवक्ता आए थे, कहा था कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सवाल तक नहीं किया गया कि इस तरीके का बयान क्यों दिया गया। तो जब आप देख रहे हैं कि पीछे ऐसे नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, कोई उन पर कार्रवाई हो नहीं रही, क्या यही बढ़ावा देता है सुरेंद्र सिंह जैसे नेताओं को इस तरीके की बयानबाजी के लिए? देखिए अपूर्व जी, बहुत आपको पुरानी बात याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रमोट करती रही है, लंबे समय से प्रमोट करती रही है। इनके एक नेता है विनय कटियार जी, सांसद रहे अभी तक, है ना, राज्यसभा मेंबर रहे, और जब राम जन्मभूमि मुद्दा चल रहा था उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सोनिया जी को, सोनिया गांधी के बारे में कांग्रेस अध्यक्षा थी उस समय, उन्होंने कहा, इन्होंने उनको डायन, एक भाषण में डायन कहा जो कि बहुत ज्यादा चर्चित उनका भाषण हुआ था, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रोटेक्ट किया, उनके उनकी बात को प्रोटेक्ट किया, और उसको कहा ये फायर ब्रांड नेता, एक नया नाम दिया, कहने गए भारतीय जनता पार्टी के। जब ऐसी अश्लील बात भाषाओं को बोलने वाले नेता
प्रमोट किए जाएंगे, उनको नई शब्दावली दे दी जाएगी कि फायर ब्रांड है, तो ये व्यवस्था पार्टी में और डेवलप होगी। उसका कारण है पिछले दिनों बहुत अभी आपके तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार बड़े बड़े नेताओं के बारे में, चाहे बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या किसी दल के नेता हो, सबके बारे में जो भी भाषा उपयोग कर सकते थे उसके बारे में कितने विवाद हुए, कितनी चर्चाएं हुई, आपने तमाम डिबेट्स कराई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रमोट करती रही है। किस हद तक प्रमोशन हुआ है वो आपने देखा है ना, अगर प्रमोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और भाषाओं पर लगाम क्यों नहीं लगती, अगर नहीं लगेगी तो इसी तरीके से भाषाओं और अश्लील शब्दों का उपयोग होता रहेगा जो कि असंसदीय के कैटेगरी में आती है। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए जो खुद सदाचार आचार की बात करती है वो ऐसी भाषाओं पर नियंत्रण लगाए, ऐसे नेताओं को प्रतिबंधित करे जो ऐसे बोलते हैं। ये पूरी बिल्कुल सवाल यही है कि आप जरूर ये कह रहे हैं और हम भी हर बार जब भी डिबेट रखते हैं इस तरीके का, जब भी किसी की नेता की तरफ से, किसी भी पार्टी के नेता की तरफ से बयान आता है उस पार्टी के प्रवक्ता, तो हमारे सामने यही कहते हैं कि कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, पार्टी किसी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होता कहां है, सवाल तक नहीं पूछा जाता, बुलाया तक नहीं जाता है कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, पार्टी के साख पर बट्टा क्यों लगा रहे हैं। लगता ऐसा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आला कमान का संरक्षण ऐसा लगता है कि प्राप्त होता है क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाते। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत नवीन जी आपका। बड़ा सवाल है नवीन जी, आपने देखा सुरेंद्र सिंह जी रिपीट ऑफेंडर है, इस तरीके की बयानबाजी रोजाना करते रहते हैं, पहले भी कर चुके हैं आज भी कर रहे हैं। सवाल यही है कि इस तरीके की बयानबाजी क्या जायज है, आप अपने नेताओं पर कार्रवाई कब करेंगे, सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई कब करेंगे, इस तरीके की भाषाई मर्यादा वो लांघते रहते हैं, जब चाहते हैं जी चाहते हैं जहां चाहते हैं बोल देते हैं, आप लोग कुछ करते भी नहीं सर। नहीं अपूर्व जी, निश्चित रूप से देखिए समाज में किसी को भी अमर्यादित कार्य करने का या बयान देने का किसी को अधिकार नहीं है, और ऐसी चीजें जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे, सुरेंद्र सिंह जी पहले भी कह चुके हैं और पहले भी डिबेट में हम लोग इस विषय पर बात कर चुके हैं। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनके इन बयानों की निंदा करता हूं, निश्चित रूप से नेतृत्व इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई भी करेगा और होगी कार्रवाई, ये आदमी। लेकिन अपूर्व जी मैं देखता हूं कि इसमें दो तरह के भाव नहीं होने चाहिए, हम अपने नेताओं के बयान की निंदा भी करते हैं, कार्रवाई भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों में ऐसा साहस है क्या? नंदी पर क्या कार्रवाई हुई? आप इस तरीके का बयान दोनों ने भी दिया। नंदी ने एक उदाहरण देकर कहा था, एक उदाहरण देकर कहा था, यहां तो डायरेक्ट बोल दिया। नहीं किसी उदाहरण देकर कहा हो, अरे सर उदाहरण देकर कहा हो तो आप कह तो रहे हैं ना, आप मिलान तो मिला रहे हैं ना। किसी भी चीज को देखिए, मेरा पहले माना कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि किसी के प्रति इस तरह के असंसदीय या अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे, लेकिन हम निंदा भी करते हैं, हम कार्रवाई भी करते हैं। आपकी निंदा से होता क्या है? साहस है क्या आपकी निंदा से होता है? हमारी निंदा से आप तो निंदा करने का साहस करते हैं, दूसरे लोग तो निंदा नहीं करते हैं लोगों को सर। अगर आप पार्टी में डिफरेंस का दावा करते हैं, अपूर्व जी अभी आप बात करा रहे थे तो कुछ दिखाइए तो डिफरेंस वाला, कुछ आप भी कह रहे थे और आपका भी था, क्या इनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ है? हम तो निंदा करके उनकी इस बात को खारिज करते हैं, लेकिन क्या दूसरे राजनीतिक दलों के लोग आपके खारिज के बयान का आप तो ऐसा लगता है आप उसको बचाने के लिए अपने आप को खारिज करते हैं? किसी ने अगर आप सीरियस होते तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होती ना सर। ये तो एक तरीका है कि आप नेता बयान देते रहे, हम मीडिया पर जाकर ये दिखाते रहेंगे कि हम साथ में नहीं है, लेकिन तुम बयान देते रहो। अपूर्व जी सुन लीजिए जरा, मैं मान रहा हूं कार्रवाई अपेक्षित है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप डिबेट करा रहे हो, अन्य दलों के भी हमारे मित्र बैठे हैं, क्या कभी अपने दल के नेताओं के इस तरह के अमर्यादित शब्दों बयानों पर क्या किसी ने सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर निंदा करने का भी साहस दिखाया क्या? अगर नहीं तो मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र से कि आजम खान साहब ने बहुसंख्यक लड़के लड़कियां जो बेरोजगार होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इस पर कभी आप निंदा कर दीजिए? आजम खान साहब ने जयप्रदा के विषय में जो बयान किया उसकी आपके अंदर निंदा करने की साहस हो तो करिए। देखिए यह एक विकृति होती जा रही है, कहीं ना कहीं हाइप पाने के लिए लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसको हमको आपको सबको मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। किसी भी दल का कोई भी नेता अगर किसी प्रकार के बयान देता और बयान सकता, बिल्कुल हम शुरुआत करेंगे, लेकिन निंदा करने के अंदर शुरुआत की आपके अंदर निंदा करने की भी है क्या हैसियत कि दूसरे दल के लोग निंदा भी करें? प्रदीप जी जवाब दे दीजिए नवीन श्रीवास्तव जी, आप कुछ नहीं, आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं, इस मामले पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद के नेताओं पर तो आप हिम्मत कर नहीं पाते कार्रवाई की,
तो किस हैसियत से, किस नैतिकता से आप दूसरी पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि वो कार्रवाई करें, ऐसे बयानों पर लगाम लगाएं? प्रदीप सिंह बप्पू जी, देखिए चाल चिंतन और चेहरे वाली पार्टी है, या तो ये न कहा है, इस लाइन को न कहा है, संस्कारों वाली पार्टी, या तो ये न कहा है। और रही बात निंदा की, समाजवादी पार्टी ऐसी तो समाजवादी पार्टी कहते हैं कि हम असंस्कारी हैं, महिलाओं के प्रति कोई कहा गया है? किसी के आप कहते हैं क्या कि हम असंस्कारी हैं? उम्मीद मत करिए, किसी भी बयान को समाजवादी पार्टी का अगर कोई नेता नहीं कहता है तो समाजवादी पार्टी उसका निंदा करती है? नहीं करती है। मैं निंदा कर रहा हूँ अगर समाजवादी पार्टी को, लेकिन बात कर रहा हूँ हो रही है। बापू जी दो शब्द लगेगा, आप कह दीजिए कि आजम खान साहब ने बहुसंख्यक बच्चे बच्चियां जो बेरोजगार होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, ये शब्द कह के निंदा कर आजम खान साहब कुछ लाइनें ऐसी होती है जो कहीं कहीं लोगों के ऊपर ऐसा नहीं होता, वो क्या कह रहे हैं उसको डिफेंड करने लगे आप, डिफेंड करने लगे, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है प्रदीप सिंह बाबू जी, यही दिक्कत। और ये सबके साथ है, सदन में जो कहा कि हत्यारा नॉन मुस्लिम है उसी की निंदा कर दीजिए आप, उसका तो कोई अर्थ नहीं होता है ना, अपराधी की जात भी होती है, ये तो हम पहली बार आप उसके राज्यपाल जी ने कहा था मेरे सूत्रों द्वारा जो ज्ञात हुआ है, ये कहा था उन्होंने, अगर तो अपराधी का धर्म बताना कौन सा है? अरे सर अपराधी का धर्म बताया था उन्होंने, लेकिन कोई किसी को जानकारी है तो उसने ऐसी कौन सी बात उन्होंने कह दी कि उसकी निंदा की जाए? वही दिक्कत है ना, अपने अपने के बारे में आप जानते हैं तो अपने आपको सही लगता है, दूसरे गलत लगते हैं। वो कर रहे हैं ममता बनर्जी के चरित्र का आप गुणगान कर रहे हैं आपके विधायक जी, आप उसकी निंदा कीजिए ना, हम तो निंदा कर रहे हैं, हमको जब काम कर रहे हैं। अनिल के अंकुर साहब ये बड़ा ठीक है, ये निंदा बड़ा आसान शब्द हो गया है सर, अपने नेता कुछ भी बयानबाजी कर दें, कुछ भी विवादित बोल दें, बड़ा आसान शब्द हो गया है, निंदा कर दो मीडिया में सामने जाकर और बच निकल जाओ। ये निंदा, ये मुझे लगता है निंदा पर बैन लग जाना चाहिए, कार्रवाई कीजिए, ये निंदा 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 सुनकर लोग परेशान हो गए हैं, होता कुछ नहीं है, फिर दो दिन बाद ये बयान आ जाएगा सुरेंद्र सिंह का, फिर कोई नंदी बोलेगा, फिर कोई आजम खान बोलेगा। देखिए निश्चित रूप से अपूर्व जी, निंदा इज नॉट सब्जेक्ट कि हम उसके बयान को खारिज करने के, मतलब पूरा जितना पुराना मामला खत्म हो गया ऐसा नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ये निंदा से हो क्या रहा है, निंदा से होता कुछ नहीं, निंदा से निंदा करने से उन लोगों पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल, और प्रमोट ही हो रही है जब तक, क्योंकि पता है पार्टी कुछ करेगी नहीं, निंदा कर देगी जी, जब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक लगातार ऐसी ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषाएं लोग बोलते रहेंगे, मतलब किसी दल का नेता हो, मतलब किसी केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सबके लिए, उन नेताओं पर, सभी नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक लाइन खींचे, हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है। लोग अलग संसद के सदन के अंदर जब बात होती है तब तो वहां कहा जाता है संसदीय भाषा का उपयोग करें, वहां वहां पर कहा जाता है ये संसदीय भाषा आम बोलचाल में क्यों नहीं आती है, आम बोलचाल में आनी चाहिए, जब आप सदन के अंदर कह सकते हैं कि संसदीय भाषा है तो यहां क्यों नहीं बोलते हैं, यहां पे भी वो संसदीय भाषा बोलनी चाहिए और उतनी ही कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जितना संसद के अंदर की जाने की संभावना होती है। तो इस कार्रवाई से किसी भी दल के नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी भी दल के नेता ऐसी कार्रवाई से क्यों बचते हैं? मैं यहाँ और भी दलों के नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा वो ऐसी कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं, क्यों नहीं करते कठोर कार्रवाई? ये बोलिए प्रदीप सिंह जी, आप शुरुआत कीजिए इसके जवाब की। अब बोलिए निश्चित तौर पर देखिए, जो भी नेता इस तरह का बयान देता है उस निश्चित तौर पर उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन निंदा का आधार तय नहीं किया जाना चाहिए कि सुरेन जी अगर जो है तीन बच्चों की महिलाओं पर बलात्कार का समर्थन करें या फिर जो है विपक्ष को तमाम मूड पड़ांग की बयान दें तो उसकी निंदा हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब विपक्ष को कुत्ता कुत्ती और तमाम तरह की संज्ञाओं से संबोधित करें तो उनका बयान बखान हो कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए, इस आइडियोलॉजी पर देश में भारतीय जनता पार्टी को चलना चाहिए, इस तरह का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को अगर उन्हें निंदा करनी है तो उन्हें निश्चित तौर पर सुरेन जी की भी निंदा करनी चाहिए और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी निंदा करनी चाहिए जो इस तरह का बयान उन्होंने विपक्ष के लिए दिया। दूसरी बात, जब सुरेन जी को और तमाम उन्हें अधिकार है कि विपक्ष को ना माने, विपक्ष को खारिज करें, विपक्ष को जो उलूल जुलूल संज्ञा से संबोधित कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अधिनायकवादी सोच की पार्टी है, लेकिन जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुलना
अगर किसी नेता से करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आत्मा दुखी होती है। एक हिंदू होने के नाते हमें आपकी इस बयान से बहुत पीड़ा हुई है और हम इस बयान की निंदा करते हैं। लेकिन आपने भी निंदा की, उस निंदा से होगा क्या? फिर सुरेंद्र सिंह जी इस तरीके का बयान देंगे? नवीन श्रीवास्तव जी, आप सभी लोग निंदा करिए लेकिन होता कुछ नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग निंदा करके करते क्या है, निंदा से फायदा क्या होता है, या सिर्फ दिखावे के लिए है? निंदा दिखावे के लिए है कि पार्टी की लाइन नहीं है, हम निंदा कर देते हैं पार्टी के। अगर पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी के नेता इस तरीके का बयान क्यों देते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नवीन श्रीवास्तव जी, देखिए अपूर्व जी, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। दुर्भाग्य है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए जिस संविधान के तहत भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां हम हो आप हो कोई भी हो, सिर्फ अपने अधिकार की हम बात करते हैं, अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है कि इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत माता फला है, ये इस तरह के बयान आते थे। हमको आपको सबको यह तय करना पड़ेगा बिना भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, चाहे वो हमारा हो चाहे तुम्हारा, अच्छा तालिबान और बुरे तालिबान का फर्क खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारा नेता खराब कर रहा है तो सही है और आपका नेता खराब कर रहा है तो गलत, ऐसा नहीं। हम सबको करना खराब कर रहा है, सही है। एक शब्द कहा माननीय अमित शाह जी ने कि दो विपरीत विचारधारा के कुत्ता कुत्ती नहीं, जो दो विपरीत विचारधारा के ऐसा उत्तर प्रदेश पिछले 15 सालों में सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई होगी? सुरेंद्र सिंह के पास कार्रवाई होगी? अपूर्व जी मैं जवाब दे दूं जरा अपने मित्र का, प्रदीप जी का। इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी के विषय में बात की, मैं उस पर वो बहुत बड़े मैंने, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ विश्व भवन करते रहे चुनाव में सत्ता में आने के पहले और सत्ता आने के बाद सारी चीज भूल गए, सांप और मेले की तरह की जो लड़ाई करते थे उस लड़ाई का कारण उन्होंने दिया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में आ गई, सांप और मेले की तरह सोच रखने वाले लोग एक दूसरे के विरोध में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहने वाले लोग आखिर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कैसे एक हो गए? यह एक उन्होंने कहावत और एक उदाहरण दी, सांप और नेवला हमारे अलग विषय है, अलग विषय है विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन आप अपने गिरेबान में पहले झांकिए। ठीक है सर, ठीक है, समय इतना ही है पहली डिबेट के लिए, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आगरा से आई एक खबर पर बहस करेंगे। फिलहाल पहली डिबेट में इतना ही, आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ।